आपको दिखाते हैं रूस यूक्रेन जंग की विध्वंसक तस्वीरें। इजियम पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन का दावा है कि इजियम में उसने रूसी सेना के टुकड़ी को तबाह कर दिया है। यूक्रेन ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसकी सेना के हमले में रूसी टैंक जलकर राख हो गए। यूक्रेन ने ड्रोन से अटैक कर रूसी टैंक्स को तबाह कर दिया। रूस ने अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर K-52 से यूक्रेन पर घातक प्रहार किया है। यूक्रेन के कई ठिकानों पर रूस के हेलीकॉप्टर ने विध्वंसक अटैक किया। अटैक में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूस का डेडली अटैक जारी है। खार्किव में रूसी स्ट्राइक में कई इमारतें जमींदोज हो गईं। रूसी बमबारी में शहर में भारी तबाही हुई है। ब्लैक सी से यूक्रेन पर रूस ने भीषण अटैक किया है। रूस ने एक के बाद एक 6 कैलिबर क्रूज मिसाइलें यूक्रेन के ठिकानों पर निशाना बनाकर दागी। रूस ने छोटे वॉरशिप से ताबड़तोड़ कैलिबर मिसाइलें दागी। इस अटैक से यूक्रेन में भारी तबाही हुई है। अमेरिका से मिले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मदद से यूक्रेन रूस को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन ने अमेरिकी ATGM का इस्तेमाल कर रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि नए हथियार मिलने के बाद उसने पूर्वी यूक्रेन के एक हिस्से पर फिर से कब्जा कर लिया है। मारियुपोल में चल रही जंग को लेकर रूस की फौज ने बड़ा दावा किया है। रूस का दावा है कि उसने मारियुपोल के कई नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस का दावा है कि 1000 यूक्रेनी नौसैनिकों ने सरेंडर किया। 150 से ज्यादा यूक्रेनी अफसरों के सरेंडर का भी रूस ने दावा किया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।